स्टूडेंट्स, मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि जब से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का फिजिकल हुआ था और फिजिकल में कुछ स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो गए थे और उसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट आया था तो रिजल्ट में भी काफी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मेरिट काफी ऊपर गई थी। मीन्स जो आपकी कट ऑफ थी फिजिकल के लिए, फिजिकल कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर आपकी मेरिट गई थी। जबकि आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज है, चाहे आप RPF ले लो, चाहे दिल्ली पुलिस ले लो, चाहे CPO या आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इन सभी के अंदर जो स्टूडेंट्स का फिजिकल में पास होने का जो रेशियो होता है वो ओनली एंड ओनली 30% रहता है। ठीक है, उसके बावजूद भी 10 नंबर की कट ऑफ ऊपर जाना बहुत बड़ी बात है कि आप ये समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। इस चीज को लेकर मेरा जो चैनल है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा था कि आप सभी स्टूडेंट जितना हो सके उतना ध्यान दीजिए आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है 2024 के अंदर इलेक्शन है और 2024 के अंदर इलेक्शन होने की वजह से अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें काफी ज्यादा वैकेंसीज निकलने वाली है और इन वैकेंसीज का आपके पास फायदा उठाने का बहुत अच्छा मौका है। काफी स्टूडेंट्स ने रेगुलर फॉलो भी कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स ने मेरी गाइडेंस के अंदर कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन करी है, प्रॉपर गाइडेंस अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स काफी खुश भी है अपना जो डिसीजन है उसको लेकर कि हमने आज से अभी भी आपके पास टाइम है। अभी आपका टाइम इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो SSC GD है, दिल्ली पुलिस है, इनका एग्जाम अप्रैल के अंदर होगा, मई अप्रैल के अंदर, जहां तक अनुमानित डेट यही है। ठीक है, तो अभी आपके पास अगर आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन करना तो आपके पास 7 से 8 महीने टाइम है या 6 महीने टाइम है। इस पीरियड के अंदर आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं और जो स्टूडेंट पहले से कर रहे हैं, जो 3-4 महीने से या 5-6 महीने पहले लगे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स ने अभी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है और आप लोग प्रॉपर कोर्स न करके, जैसे कि आपने कभी RPF का कोर्स ले रहे हो, कभी SSC GD का कोर्स ले रहे हो, कभी आप दिल्ली पुलिस का कोर्स ले रहे हो, कभी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल कोर्स ले रहे हो, ये कोर्स न लेके एक सिंपल जो 1 साल का कोर्स होता है जहाँ पर एक आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बढ़िया एकेडमी चूज कर सकते हो और फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर अच्छी एकेडमी के लिए गाइड करूंगा कि अगर वहां से आप अगर 1 साल का कोर्स परचेज करते हो तो उसके अंदर आपका बेसिक चीज तैयार करी जाएगी, आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, वहाँ पर CGL CHSL लेवल तक की तैयारी कराई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको उसी पोजिशन में लेके जाया जाए, पहले आपको आपका बिल्कुल लोअर स्टेज से आपको तैयार किया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट को डर रहता है मैथ से, इंग्लिश से, वो टॉपिक्स आपके इस तरह से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आपको मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे इजी लगेगा। लेकिन जरूरी है कि आप खुद पे विश्वास करें और खुद ये समझाएं कि आप में वो चीज, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप आराम से ये एग्जाम आराम से पास कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगर आपने एक एक बार सिक्वेंस में तैयारी कर ली तो आप CPO CGL तक भी आराम से एग्जाम्स फाइट कर सकते हैं। तो ये बात आज मैं फिर और आप सभी सामने क्यों लेके आऊं, तो इसका बड़ा रीजन आपको सभी को बताता हूं। मैं आप बैक में देख रहे हैं ऑफिस ऑर्डर है ना, ये ऑफिस ऑर्डर रिलीज हुआ है 26 सितंबर 2022 को, यूट्यूब पर भी आ चुका है इसका, ये लेटर आपने देखा भी होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया गया है, जो भी पोस्ट वैकेंट है जिन पे भर्तियां चल रही है, अभी भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाई है, सबसे पहले तो उन पर फोकस किया जा रहा है और उन वैकेंसीज को नवंबर तक कंप्लीट करना होगा, नवंबर 22 तक जो वैकेंसी अटकी हुई है उसका फीडबैक देना है, किस वजह से अटकी हुई है और क्यों उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो पूरा टारगेट रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि नवंबर तक वैकेंसी कंप्लीट की जाए और उसके बाद में जो वैकेंसियां पेंडिंग है, जो वैकेंसियां अभी निकली हुई है, उनको किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है, उनमें क्या रुकावट आ रही है, कहाँ पर कितनी पोस्टें खाली है, किस डिपार्टमेंट के अंदर, और इसीलिए आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा जो आपकी RPF की जो वैकेंसी है इसीलिए उसके अंदर वक्त लग रहा है। काफी स्टूडेंट्स तो इतने परेशान हो गए, अगर हम छोटा सा अगर गलती से वीडियो बना भी देना RPF लेके और उन्होंने स्क्रीन पर नाम दिखाई दे जाए RPF, तो ऐसे तो अरे पता नहीं क्या बम फोड़ दिया इस तरह से, मतलब कि तो हम समझ रहे हैं आप बदल रो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलने वाला है आपको। बेनिफिट इस तरह से कि गवर्नमेंट इस चीज में है कि RPF में टोटल कितनी वैकेंसीज ड्यू है, बस आगे पोस्टें बढ़ने के पूरे पूरे चांस है, जहां तक ये अनुमान लगाया जा रहा है 20,000-22,000 के समथिंग पोस्ट आने वाली है, जिसमें जिसके अंदर के आपकी RPF SI की पोस्टें भी शामिल होगी, तो इस तरह का अनुमान है। लेकिन फिक्स अभी कुछ भी नहीं है, कन्फर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, पेशेंस का आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा और वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने वाली है। अंदाजा अगर आपको बताऊं तो SSC GD के अंदर भी काफी वैकेंसीज आने वाली है, एवरेज 50,000 समथिंग माना जा रहा है, लेकिन क्लियर तभी होगा जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज है ही, वो पहले से SSC ने अपना स्टार्ट डिक्लेयर कर रखा है, तो इस तरह से आपके पास काफी वैकेंसीज है, अगर आप कंप्यूटर कंटिन्यू प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, डायरेक्टर
अशोक कुमार जयपाल जी को निर्देश दिए गए हैं कि उनके निर्देश के अंदर नवंबर 2022 तक जो भी वैकेंसियां जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है उनकी ज्वाइनिंग करवानी है। किस वजह से वो ज्वाइनिंग रुकी हुई है या किस वजह से वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है, पूरी एक कमेटी बैठाई गई है। वो कमेटी डिसाइड करेगी कहाँ पर कौन कितनी पोस्ट वैकेंट है, किस डिपार्टमेंट कितनी पोस्ट खाली है, और पूरा ऊपर एक चार्ट बना के 2023 तक वैकेंसी कंप्लीट कराई जाएगी। उसके बाद आपको पता असर सही लग जाएगी तो वैकेंसी कंप्लीट करा नहीं सकते हैं। तो इस चीज को लेकर आप सभी स्टूडेंट्स को अभी भी समय है, आप समय रहते अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जहां पर आपको अच्छा लगता है वहां पर आप एकेडमी ज्वाइन कीजिए। और फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है उन पर आप कॉल कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, फिजिकल के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजिकल बहुत अलग चीज होती है, जो बच्चा वीक है उसका फिजिकल तो आराम से हो जाता है क्योंकि उसका फिजिकल अच्छा होता है, लेकिन जो पढ़ाई में जो बच्चा होशियार है उसका फिजिकल प्रिपेयर करने में बहुत वक्त लगता है और उसी को असली ट्रेनिंग करनी पड़ती है। साथ जिन स्टूडेंट्स को भी अगर फिजिकल लेकर प्रॉब्लम है, जिनको डाउट है और इस वजह से तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमारा फिजिकली क्लियर नहीं हो पाएगा आरपीएफ या दिल्ली पुलिस का, तो बेझिझक आप फॉर्म भरिए, आप एग्जाम पास कर लीजिए। फिजिकल पास करवाने का 101% मेरी जिम्मेदारी है, बस जितनी मैं मेहनत करूँ अगर उसकी आप आधी भी कर लेंगे ना तो 101% आप अपना फिजिकल पास कर लेंगे। चाहे आपका कितना भी वेट ज्यादा हो चाहे कितना भी वेट कम हो, प्रॉपर एक्सरसाइज के द्वारा गेन कराया जाएगा वेट को, जिनका ज्यादा है उनका लॉस कराया जाएगा और तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो रेगुलर व्यूअर्स है प्लीज वीडियो लाइक कीजिए।